आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्येश गौर में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि GRS यानी ग्राम रोजगार सहायक की वैकेंसी किस जिले में कब तक आने वाली है, तो इसी विषय में आज जानकारी देने वाले हैं। एक और नए जिले में रोजगार सहायक की वैकेंसी आ चुकी है, तो वो किस जिले में है, क्या क्या पात्रता है उसमें, सभी जानकारी आज वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के टोटल 52 जिलों में GRS यानी रोजगार सहायक की भर्ती निकलने वाली, तो कब निकल जाए जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन उपलब्ध रहेगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और एक और मेन बात, अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको यहाँ पर आवेदन का प्रारूप देख लेना है सबसे पहले, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आवेदक का नाम, आवेदक का पद का नाम डाल देना है, ग्राम रोजगार सहायक यहाँ पर आपको डला डला लाएगा, यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम, ठीक है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है उसके सामने आपको भरी देना है, यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता में अगर बीकॉम किया है तो बीकॉम यहाँ पर डाल देना है, नहीं तो हायर सेकेंडरी और कंप्यूटर परीक्षा को यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपके पास कोई वो है एक्सपीरियंस तो यहाँ पर आपको डाल देना है। बात कर लेते हैं किस जिले की है, तो ये है अलीराजपुर जिले की, क्योंकि अलीराजपुर जिले में भी यहाँ पर वैकेंसी निकल चुकी है, पता नहीं हमारे जिले में कब निकलेगी, पर जैसे उसका नोटिफिकेशन आता है हम आपको जरूर देते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके हम आपको वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला अलीराजपुर, ठीक है, अभी इतना कंफर्म नहीं हुआ कि जनपद अलीराजपुर के किस जनपद पंचायत में हैं, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किस जनपद पंचायत के किस पंचायत में पद खाली रोजगार सहायक, उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। सामान्य विज्ञापन, विज्ञापन निर्देश दर्शाया गया आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदक अपना आवेदन संपूर्ण जानकारी के साथ प्रेषित कर सकता है। आवेदन पत्र पर टूटी जानकारी देने के लिए निरस्त कर दिया, आवेदन पत्र भरते समय आपको बहुत जानकारी देनी है, सही जानकारी देनी है, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके आवेदन में कोई भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो यहाँ पर आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करते हैं कि कितने कितने नंबर का यहाँ पर आपको होगा, और यहाँ पर एक और बात, CPCT इसमें होना जरूरी है, ये देखिए CPCT प्रोफेशनल CPCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप जब कम से कम 3 पात्र आवेदक स्थायी निवासी पंचायत के होंगे तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के आप उन्हें 100 अंक दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाद अगर उन्हें किसी आपके पास UG PG किसी का भी डिप्लोमा है कंप्यूटर का तो उसका 50 नंबर दिए जाएंगे, और 10 नंबर दिए जाएंगे अगर आपको रोजगार गारंटी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपका है 1 वर्ष का अनुभव तो 10 नंबर दिए जाएंगे, ITI उत्तीर्ण है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, अगर आपका बीकॉम है तो 30 नंबर देंगे, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। जब उस कंडीशन में जब स्थायी पंचायत के 3 पात्र आवेदक नहीं होंगे तो उस नंबर में आपको स्थायी निवासी के 25 नंबर अलग से दिए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ा ही नोटिफिकेशन है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और अगर आप अलीराजपुर के या अलीराजपुर के हैं तो इसमें जरूर आवेदन करिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नए अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बात और, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करवाना है तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट व्हाट्सएप से अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी नए अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।